बहुचर्चित सुदीक्षा भाटी एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी बुलंदशहर से हुई है और दोनों बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हादसे के बाद आरोपियों ने बाइक का नंबर प्लेट, पहिए, साइलेंसर बदलवा लिया था। पुलिस ने उनके पास से ये सब भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी वाली बात से इनकार किया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि सामने से आ रहे एक ऑटो के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण यह हादसा हो गया। छानबीन करने के बाद पुलिस ने दीपक सोलंकी को 279, 304 और 201 और 177, 184 और 192 MV एक्ट में गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपियों को 304A और 201 धारा में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीते 10 अगस्त को सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से इनकी तलाश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।